वंदितु सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवम गयिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुल मिणमो सुय केवली भनियम। महानुभाव समय सार ग्रंथराज और सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार गाथा 335 आप सुनेंगे। आचार्य श्री कुंदकुंद देव क्या कहते हैं? अन्नानी कम फलम पैडिसावठिदो दुबे दे दी नानी पुणकम फलम जानदि उदितम नवे दे दी। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है वो दिखाते हैं। वो कहते हैं अज्ञानी जीव मोही जीव संसारी प्राणी प्रकृति यानी कर्मों के स्वभाव में स्थित हुए कर्मों के फल का अनुभव करते हैं। जो साता असाता का उदय आता है राग द्वेष आदि रूप परिणति होती है हर्ष विषाद रूप परिणति होती रहती है उसी का फल का अनुभव करते हैं। और ज्ञानी पुनः कर्मफलम जानाति उदितम न वेदैते। और ज्ञानी यहाँ ज्ञानी कौन है? बीत रागी महामुनि। ऐसे ज्ञानी महामुनि कर्म का फल जो आया उदय में आया चाहे असाता हो चाहे साता उसके फल को जानते हैं लेकिन उदय में आए का अनुभव नहीं करते। यानी परिसाद अविज्ञानात आश्रम से निरोधनी जायते ध्यात्म योगे न कर्मणाम आश निर्जरा। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि परिसहादि अविज्ञानात परिसे उपसर्ग आए छुधा तुषा कोई भी परिसे आ गई शीतोष्ण आदि कोई भी परिसे आ जाए कोई सोसो गाली दे रहा है कोई डंडे से पीट रहा है कोई सिर पर अग्नि जला दी। देखो गजमुनि के सिर ऊपर विप्र अग्नि बहुबारी शीश जले जीव लकड़ी ताको तो भी ना ही चिगारी। गजमुनि के ऊपर गजकुमार मुनि के सिर पर उनके ससुर ने सिगड़ी जला दी। मेरी बेटी के साथ विवाह क्यों किया था? तुझे दीक्षा लेनी थी साधु बनना था लेकिन वो ध्यान में लीन है। रंचमाध भी चलित नहीं हुए विचलित नहीं हुए ऐसे जो है उदितम उदय में आए कर्म का उनका फल का अनुभव नहीं करते हैं। परिसहादी अविज्ञानात उपसर्ग परिग्रह के आने पर उसका उसकी तरफ उपयोग नहीं जाना यही अविज्ञानात उसकी तरफ उपयोग नहीं गया तो आश्रो का निरोध करने वाली आश्रो को रोकने वाली ऐसी अध्यात्म के योग से इसी का नाम है अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान उसके योग से कर्मों की निर्जरा हो जाती है और शीघ्र मोक्ष के पात्र बन जाते हैं। आचार्य वीर सार महामुनि फोड़ा का ऑपरेशन हो रहा है चीर रहा है वैद्य फोड़े को चीर दिया और वो कर्म प्रकृतियों के चिंतन में निमग्न थे। उन्हें उसकी अवभासना नहीं थी पीड़ा नहीं थी ओफ नहीं था चीत्कार तो बहुत दूर माथे पर सल और सिकुड़न नहीं थी दर्द की वेदना का अनुभव नहीं था। कर्म प्रकृतियों के चिंतन में विपाक विचय धर्म ध्यान में इतने निमग्न हो गए इसका नाम है कर्म प्रकृतियों का चिंतन इसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। तो भव्यात्माओं यह स्थिति किसके होती है? बहुत ही विरले महापुरुष महासाधु के। अज्ञानी प्राणी कर्मों के फल को भोगा करता प्रकृति भाव में स्थित होकर कर्म बंध को करता। ज्ञानी तो उद्यागत कर्म फलों का ज्ञाता रहता लेकिन अहम भाव से उनका भोगता कभी न बनता। अज्ञानी प्राणी कर्मों के फल को भोगता रहता है और प्रकृति भाव में स्थित होकर कर्म के उदय में स्थित होकर कर्मबंध को पुनः कर लेता है और ज्ञानी उदय में आए हुए कर्मफलों को जानता है लेकिन अहम भाव से उनका भोगता कभी नहीं बनता है। ये ज्ञानी गाथा 336 जो पुण्य निरवराहो चेदा निस्संकितो दुसो हो दी आराहणाय निच्चम वट्टदी अहमिद व्यानंतो। आराधना आराधना की आराधना करता हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप ये चार आराधनाएं हैं। इन आराधनाओं की आराधना करने वाला इनको अपने में अवतरित करने वाला महासाधु हम और आप भी भगवती आराधना का स्वाध्याय अवश्य करें। यदि समाधि की सिद्धि करनी है अपनी समाधि बनानी है तो पुनः पुनः समाधि वरण पाठ पढ़ें
या पुनः निरपराधश्चेतैता निशंकितस्तु स भवति आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति विजानन्। जो पुनः निरपराधी आत्मा है वो निशंक रहता है। निरपराधी यानी जैसे जो चोर नहीं है, जो असत्यवादी नहीं है, वो निशंक होकर भ्रमण करता है। कोई मुझे देख लेगा, जान लेगा, चोर है पकड़ लेगा, झूठ बोलने वाला है पकड़ लेगा, तो मुझे जेल में ठूंस देगा आदि, उसको कोई चिंता नहीं है। उसी प्रकार से जो निरपराधी आत्मा है वो महामुनि नित्य ही अहमिति व्यानंद तो अपनी आत्मा का अनुभव करते हुए आराधना में वर्तन करते हैं। जो अपराध रहित आत्मा परमात्मा को ही भजता चेतयिता ज्ञानी निसंग होकर निज में ही रहता। निज के ही आराधन में वह हर क्षण तत्पर रहता। निज अनंत ज्ञानाद चतुष्टय का ही अनुभव करता। महानुभाव, जो अपराध रहित आत्मा परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा की आराधना करता है, वो चेतयिता ज्ञानी निसंग होकर निज में ही स्थित होता है। निज के ही आराधन से वह हर क्षण अपनी आत्मा की आराधन में तत्पर रहता है। वही अनंत ज्ञानादि चतुष्टय का अनुभव करता है। महानुभाव, बात यही है। विचार करके देखा जाए तो संसार में अपूर्व वस्तु क्या है जिसे हमने और आपने नहीं पाई है। हालांकि बहुत से पद अपूर्व हैं, जैसे चक्रवर्ती पद, नारायण पद, तीर्थंकर पद, बलदेव पद, यह अपूर्व हैं। किंतु यहाँ इनकी बात मैं न कह करके इनके पद के बिना भी मोक्ष होता है, ध्यान रखना। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव और तीर्थंकर ये 63 शलाका पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। इन पद को जिन्होंने नहीं भी प्राप्त किया, ऐसे शेठ सुदर्शन आदि असंख्यातों ने अनंतों अनंतों भव्यात्मा मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और आज भी कर रहे होंगे 160 विधेय क्षेत्रों से, और आगे भी करते रहेंगे। तो हमें ये देखना है कि कौन सा पद हमारे लिए अपूर्व है। सम्यक दर्शन बोध व्रत पदवीम ताम देव पूर्ण नाम गुरु, वो अपूर्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और उसमें एक और लगाया आराधना में सम्यक तप। ये चार आराधनाएं हमारे लिए अपूर्व हैं। इनको प्राप्त कर लेना, समझ लीजिए एक जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्म का पुण्य हमारा होगा जो हमने ये आराधनाएं प्राप्त कर ली। मैं बहुत बार चिंतन किया करती हूँ कि सचमुच में क्यों इस भव का हमारा पुण्य नहीं है। बहुत भावों में पुण्य संचित किया होगा, भावनाएं भाई होंगी, तो हमें रत्नत्रय बचपन से मिल गया, बाल्यावस्था से रत्नत्रय मिल गया, दीक्षा मिल गई, और मोक्ष मार्ग में चलने का अवसर प्राप्त हो गया। बहुत बड़े पुण्य का योग है। इसमें भी देखो, संसार में जब दीक्षा की भावना होती है किसी की, तो माता पिता कुटुंबी तो क्या, अड़ोस पड़ोस के लोग, न जाने कितने लोग रोकने के लिए आ जाते हैं, समझाने के लिए आ जाते हैं, और कहते तो पागल है, इसका इलाज करो। कोई कहते इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अनेक प्रकार से उसे विचलित करने का प्रयास करते हैं, और उसमें न जाने कितने जीव विचलित हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, माता पिता के कुटुंबी जनों के मोह में पड़ जाते हैं। बिरले ही ऐसे होते हैं जो उस मोह रूपी नदी को पार करके और रत्न को खोज लेते हैं, रत्न को निकाल लेते हैं, समय दर्शन ज्ञान चारित्र तप को प्राप्त कर लेते हैं। बिरले ही होते हैं। उन्हीं में से हम और आप भव्यात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, जो भगवंतों की वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। बहुत बड़ा पुण्य है, ये निश्चित है। एक छोटी सी घटना, 5 चोर आपस में बड़ी मित्रता से चोरी करते थे, और एक एक कार्य में इतने कुशल थे, कैसे सेन लगाना, कैसे किसके यहाँ जाकर चोरी कर लाना, कैसे किसी की आँख का अंजन भी चुरा लेना उसको पता ना चले, यानी इतने पक्के चोर। एक बार
पांचों ही चोर चोरी करके लाए, धन बहुत सारा लेकर आए, और रात में आपस के बंटवारे में आपस में उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। और हुआ क्या, एक व्यसन के साथ अनेक व्यसन आ जाते हैं, सातों व्यसन आ जाते हैं। वो चोर चोरी करते करते शराबी भी पक्के शराबी बन गए थे, धन से शराब खरीदा क्योंकि पर धन में हाय नहीं रहती। स्वयं कमाओ तो उसको खर्च करने में थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन कमाया हुआ धन अगर पिता का कमाया हुआ धन मिल जाए और फिर दूसरे का धन चोरी का, तो उसमें क्या सोचना। शराब खरीद कर लाए और पिया, आपस में नठन नठा करके लड़ते रहे। उसमें एक चोर था, उसका नाम था धूर्तिल। नाम भले ही धूर्तिल था, धूर्त था, पक्का धूर्त था, लेकिन उसने एक नियम ले रखा था। उसका एक नियम था कि जिस दिन जैन मुनि के दर्शन हो जाए प्रातःकाल, उस दिन कोई ना कोई नियम अवश्य ले लेना। ये उसका एक नियम था, उस दिन कुछ ना कुछ वस्तु का त्याग कर देना। संस्कार थे, पूर्व में जैन कुल में जन्मा था, धर्म के संस्कार थे। तो उस दिन क्या है कि उसने सुबह ही जो बाहर निकला तो एक जैन मुनि को देख लिया, हाथ जोड़ा दूर से, और उसने अपने मन में नियम ले लिया कि आज मैं शराब नहीं पीऊँगा, मदिरा पान नहीं करूँगा, आज मैं शराब नहीं पीऊँगा। उसने नियम ले रखा था। रात में चोरी करके आए, शराब खरीद कर लाए, तो चारों ने तो पी लिया, और ये जो है ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ गया जंगल में। वहीं जंगल में सब लड़ रहे थे, पेड़ के नीचे चारों खूब लठम लठा कर रहे थे, खूब लड़ रहे थे, खूब आपस में लड़ते लड़ते मर गए, चारों मर गए, लड़ लड़ करके आपस में, खून खच्चर करके चारों मर गए, और वो बच गया। एक छोटे से नियम से वो बच गया। और जब नीचे उतर कर देखता है, चारों मरे पड़े हैं, लहू लुहान पड़े हैं, और इतना सारा धन किसके लिए, क्यों? एक नियम ने आज मुझे मेरी जान बचाई है, तो अगर मैं और नियम गुरु के पास जाकर ले लूं, उन्हीं गुरु की शरण में पहुंच जाऊं, तो सचमुच में मैं संसार के दुखों से, जन्म मरण के दुखों से ही छूट जाऊंगा। बचपन के संस्कार काम आ गए, संस्कार से संस्कारित आत्मा, बच्चों में जो संस्कार डाले जाते हैं, मैं देखती हूँ कितने बालक आते हैं चंचलता, जम्बूद्वीप में और प्रयाग में, कुंडलपुर में, कई एक साधन हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी ने बना रखे हैं, छुलक मोती सागर जी जो प्रथम पीठाधीश थे, उन्होंने बहुत से साधन ऐसे जुटाए थे जिसमें बच्चे खेलें और पुण्य का संचय भी कर लें। जम्बूद्वीप में रमण समुद्र में नाव चलती है, नाव से घूमने वाले बच्चे खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और क्रीड़ा का भी आनंद लेते हैं, खेल का भी आनंद लेते हैं, और 207 प्रतिमाएं जहाँ विराजमान हैं उनकी प्रदक्षिणा देकर पुण्य का संचय भी कर लेते हैं। बेमालूम भले ही वो जानबूझकर हाथ न जोड़ें, लेकिन पुण्य का संचय हो जाता है, प्रदक्षिणा हो रही भगवान की। ऐसे ऐरावत हाथी घूमता है जम्बूद्वीप में, 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं लोग बैठकर उसमें, भले ही वो कुछ ना समझें अज्ञान से भी, लेकिन उनको पुण्य का बंध हो रहा है, भगवान की प्रदक्षिणा हो रही, जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा हो रही, सुमेरु की प्रदक्षिणा हो रही, जिस सुमेरु की पर्वत प्रदक्षिणा ज्योतिर्वासी देव सदा दिया करते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि सूर्य मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके। ऐसे सुमेरु की प्रदक्षिणा हो जाती है, कितना पुण्य का संचय हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये पीठाधीश को आकर धन्यवाद देते हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि जो बच्चों के लिए एक साधन लगा दिया, तो कम से कम हमको दर्शन करने का तो अवसर मिलता है, गुरु के 2 शब्द सुनने का, प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है, नहीं तो बच्चे तंग करते रहते हैं, कुछ सुनने नहीं देते हैं, गुरु के पास बैठने नहीं देते हैं, लेकिन इसमें हम बच्चों को लगा देते हैं तो हम निश्चिंत होकर के यहाँ आराम से बैठते हैं। अनेक यहाँ साधन मनोरंजन के, खैर स्थिर रेल हीरक जयंती एक्सप्रेस खड़ी है, चलती नहीं है, लेकिन आपको 2400 तीर्थंकरों के भगवंतों की जन्मभूमि की यात्रा करा देती है, दर्शन करा देती है, पुण्य का संचय करा देती है। थिएटर जम्बूद्वीप थिएटर, आपको मांगी तुंगी की मूर्ति कैसे बन रही है, और जन्मभूमि और तीर्थंकर भगवंतों की कहाँ कहाँ कौन कौन सी उनकी वंदना करा देती है। तो जम्बूद्वीप में मनोरंजन के साधन भी पुण्य के निमित्त बन जाते हैं, पुण्य के कारण बन रहे हैं, पुण्य के साधन बन रहे हैं।
तो भव्यात्माओं, यहाँ पर जो आराधना है, ये आराधना इसी प्रकार से भगवंतों की आराधना आप कुतूहल में, क्रीड़ा में भी करेंगे तो एक न एक दिन सच्ची आराधना में सफल हो जाएंगे और फिर भगवंतों की आराधना में सफल होंगे, तीर्थ यात्रा में सफल होंगे, तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं की आराधना में सफल होंगे तो एक न एक दिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप आराधना को प्राप्त कर करके और निश्चय आराधना, आत्मा की आराधना में सक्षम हो जाएंगे। आत्मा की आराधना में सक्षम हुए तो निर्कर विधान के द्वारा कर्मों का नाश कर अरहंत केवली बन जाएंगे, आत्मा परमात्मा बन जाएगी, आत्मा कार्य समय सार बन जाएगी। तो ये समय सार हमारे और आपके जीवन में सार्थक हो, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।